आज मैं बनाने जा रही हूँ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे स्पेशल केक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लेके आई हूँ मैं ऐसी रेसिपी जो ये रस्क है, इसको तोस्त भी बोला जाता है। मैं इससे केक बनाऊंगी और ये मैजिक बिस्किट है, और इन दोनों चीज़ों से मुझे ये मैं केक बनाऊंगी। और ना ही इसको ओवन में पकाना है आपको, ना ही कुछ वैसे पकाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1-2 कप ये दूध ले लिया है, और इसको मैं फ्राई पैन में कम से कम 5 मिनट के लिए मैं उबालने के लिए इसको रख देती हूँ। पूरा ये 2 कप है, और ये कम से कम 5 मिनट में उबाल आने तक इसको मैं इस पर पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया ये आधी कटोरी दूध, और ये लिया है मैंने, और ये लिया है 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और ये लिया है मैंने अरारोट आधी कटोरी। लेकिन आप जो है मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। जो ये मैं 1 चम्मच लूँगी पूरा ये अरारोट का पाउडर, और ये मैं लूँगी 3 चम्मच पूरे कस्टर्ड पाउडर। और इसको मुझे मिक्स कर लेना है ऐसे धीरे धीरे करके, ताकि जो सारे लम्स हैं वो ना रहे, और बिल्कुल ये दूध में पाउडर जो है, कस्टर्ड पाउडर या अरारोट जो है, ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसमें हमको ये चला करके अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेना है इसमें, और ये हम इसमें डालते जाएंगे धीरे धीरे, और ये हम इस तरीके से चलाते जाएंगे जल्दी जल्दी, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और फिर इसमें डालेंगे, और फिर इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे, और ये देखिए कितना अच्छा थिक और गाढ़ा होता जा रहा है। अब देखिए इसको ये हम पूरा डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे। ये देखिए काफ़ी थिक अच्छा हो गया, जो गाढ़ा गाढ़ा बन गया है ये देखिए। और इसको जल्दी जल्दी ऐसे बनाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना गाढ़ा हो चुका है, बन चुका है अब ये। ये देखिए कितनी इसका कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बन गई है, और बिल्कुल ये क्रीमी लग रहा है ये देखिए, और इसमें एक भी लम्स नहीं है, आप देख सकती हैं, और बिल्कुल क्रीम जैसा बन गया है। और इसमें हमने शक्कर नहीं मिलाया है, और क्योंकि हमें इसमें चाशनी मिलानी है, और चाशनी बना करके हमें मिलाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ पानी, और मैंने कलर फूड इसमें डाला हुआ है, ताकि इसमें जो रंग कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 4 चम्मच शक्कर, क्योंकि मैंने पहले कस्टर्ड में नहीं डाले थे शक्कर, अब ये मैं 4 चम्मच इसमें शक्कर डाल रही हूँ। और ये मैंने एक लिया है, ये है कांच का बाउल, ये कंटेनर है, और ग्लास। मैंने ये जो कस्टर्ड मैंने बना लिया है, मैंने एक बाउल में इसको कच्चीज ले लिया है, और ये है मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं, अदरवाइज़ मेरे फ्रिज में मलाई हमेशा रहती है। और ये जो मैंने ये चाशनी जो बनाई थी, मैंने इसमें चाशनी ले ली है, और ये है ये जेली जो मैं इसमें गार्निश करूँगी, और एक ये है बादाम। तो चलिए, मैं इसको इन बिस्कुट को ऐसे आपको लगा लेना है। और ये जो मैजिक बिस्किट है, आप इसको यूज़ करेंगी इसमें, तो इसका टेस्ट और बढ़ के आएगा, बहुत ही अच्छा क्रीमी जैसा टेस्ट लगेगा। पहले ये जो चाशनी मैंने ली है, ये हल्की गुनगुनी चाशनी है, बहुत ज़्यादा चाशनी गर्म नहीं है। आप इस बिस्कुट पे ऐसे ऐसे इसको आप डाल लीजिएगा,
सारे बिस्कुट में ऐसे लगा लेना है चाशनी को। चाशनी के बाद हमें ये डालना है ये जो मिल्क में कस्टर्ड बनाया, ये इसको ऐसे डाल लेना है। अब ये जो मैंने कस्टर्ड डाल लिया है, अब इसमें मैंने मुझे ये ऐसे बिस्किट करके एक एक ऐसे करके लगा लेने हैं। अब देखिए मैंने सारे बिस्किट लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर मुझे ये क्रीम जो है, अब इस क्रीम को मुझे लगाना है, क्योंकि क्रीम का अलग ही कुछ अपना टेस्ट अलग आ जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है खाने में ये केक को। और अगर आपकी क्रीम घर में ना हो तो आप स्किप कर सकती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्रीम में शुगर शक्कर नहीं मिलाई थी चाशनी, जैसे अब मैं इसमें चाशनी मिला देती हूँ, क्योंकि क्रीम में शक्कर नहीं मिक्स थी। अब इसके ऊपर मुझे फिर से ये रस्क रख देना है। अब देखिए ये बिस्किट पे फिर से मैं ये चाशनी डाल देती हूँ। सारे बिस्कुट पे खूब अच्छे से चाशनी को डाल देना है। अब ये देखिए चाशनी मैंने डाल दी है। अब ये कस्टर्ड के क्रीम को मुझे ऐसे ऊपर से लगाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से सब जगह लगा देना है। देखिए इसको इस तरीके से ऐसे पहले हम निशान लगा लेते हैं कट करने के लिए। देखिए अब वैलेंटाइन डे स्पेशल केक बनके तैयार है। अब आप भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए और एंजॉय करिए।